हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। और आज का टॉपिक जो होने वाला है वो है क्लास 11th और चैप्टर 4th केमिकल बॉन्डिंग का बॉन्ड पैरामीटर्स। आज हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे कि बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं। बॉन्ड पैरामीटर्स में कई चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे फर्स्ट हम बॉन्ड लेंथ डिस्कस करेंगे, देन बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर करेंगे, बॉन्ड लेंथ करेंगे, इसके अलावा बॉन्ड एंगल। इस तरह से हम दो तीन पैरामीटर आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड लेंथ की। बॉन्ड लेंथ क्या होती है? फॉर एग्जांपल के फॉर्म में हम बात करें तो ये दो ऑक्सीजन एटम मैंने आपस में जोड़ दिए, या फिर आप सपोज करो कि ये कोई फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन एटम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और वो किससे जुड़े हुए हैं? किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसको हम ऐसे भी बना लेते हैं कि ये दो एटम जुड़े हुए हैं। मान लो ये ए एटम है और ये बी एटम है, तो ये इन दोनों के बीच का क्या है? सेंटर है। इन दोनों सेंटर को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है? आपकी बॉन्ड लेंथ। वो क्या कहलाएगी? आपकी बॉन्ड लेंथ। वो कहलाएगी आपकी बॉन्ड लेंथ। यानी दो न्यूक्लियस आपस में जुड़े हुए हैं, तो उन दोनों के बीच का जो सेंटर है उनको मिलाने पर जो डिस्टेंस हमें प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी? हमारी बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। अगर ये दोनों सेम है तब तो कोई बात नहीं। ये मान लो ये बॉन्ड लेंथ है तो इसका आधा क्या है? त्रिज्या। रेडियाई कहलाती है। तो इसकी रेडियाई आर ए और इसकी जो रेडियस होगी वो आर बी होगी, ठीक है। फिर बात करें कि ये जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड किस पे करती है, या इस बॉन्ड लेंथ को कौन कौन इफेक्ट करते हैं? पहला तो हम ले लेते हैं आकार। पहला क्या लेंगे? साइज। इसका ए लेंगे साइज। तो आप देखिए, अगर सेम साइज है इसका सेम साइज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ भाई बॉन्ड लेंथ इक्वल आएगी, आर ए आर बी इक्वल आएगी। परंतु अगर मैं इसके साइज की जगह इसमें एक छोटा मॉलिक्यूल लगा दूँ, ये मैंने कोई फ्लोरीन ले ली और उसके साथ हाइड्रोजन लगा दिया, अब क्या होगा भाई? अब छोटा लगाने से इसकी बॉन्ड लेंथ घट गई, परंतु अगर इससे मैं बड़ा लगा दूं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। कहने का मतलब बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करती है? साइज पे। साइज जैसे जैसे बड़ा होता चला जाएगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। जैसे ये छोटा साइज़ है, इससे ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, और इस दोनों को निकाल के ये लगा दूँ मैं तो बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस आया ना। इस छोटे वाले में बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, उससे बड़े वाले में थोड़ी बड़ी होगी, और उससे ज़्यादा बड़े वाले में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं बात करूँ, फ्लोरीन फ्लोरीन है, क्लोरीन क्लोरीन है, और ब्रोमीन ब्रोमीन है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। तो ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज़्यादा है, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से ज़्यादा है। तो इसकी अगर बॉन्ड लेंथ देखें तो ब्रोमीन की बॉन्ड लेंथ क्लोरीन से ज़्यादा होगी और क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होगी। उसी तरह से मैं ये देख लूँ कि यहाँ ये तो दोनों सेम एटम है, अगर मैं Br की जगह H लगा दूँ और यहाँ पे भी HCl बना दूँ, HF दे दूँ, तो भी ऑर्डर क्या होगा? ये सेम ही ऑर्डर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो Br है वो एक बड़ा एटम है कंपेरेटिव इसके Cl के। तो साइज़ बढ़ने पर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। दूसरा डिफरेंस ये भी है कि विद्युत ऋणता अब इसे कैसे इफेक्ट करेगी भाई? बॉन्ड लेंथ को विद्युत ऋणता कैसे इफेक्ट करेगी? विद्युत ऋणता, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जितनी ज़्यादा विद्युत ऋणता होगी बॉन्ड उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। इस तरह से ये बॉन्ड लेंथ विद्युत ऋणता से भी प्रभावित होती है। फिर आता है थर्ड, बॉन्ड ऑर्डर को हम अलग से डिस्कस करेंगे, पर फिर भी आपने देखा होगा कि किसी में सिंगल बॉन्ड होते हैं, किसी में डबल बॉन्ड होते हैं, किसी में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखिए ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है इसका, और ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड है, यानी एक कार्बन दूसरे कार्बन, दो कार्बन लिए पर एक में वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, एक में डबल और एक में ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। तो तब इसकी विद्युत ऋणता कैसी होगी, वो कहानी सुनी होगी हमने लकड़ियों के गट्ठर वाली, उसमें बॉन्ड एनर्जी में हम बात करेंगे, परंतु ये जो तीन वाले हैं संगठन में शक्ति है, आपस में जुड़ गए, ये आपस में जुड़ गए यानी इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, किसके कंपैरिजन में, सेकंड वाले से। सेकंड वाले फिर भी दो आपस में जुड़े हुए हैं और ये सिंगल वाला तो अलग ही है, ये सिंगल वाला अलग है। तो अगर इसकी बॉन्ड ऑर्डर की बात देखें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर एक, इसका दो और इसका तीन। तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आती है किसके कंपैरिजन में, डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड से किससे ज़्यादा आती है, ट्रिपल बॉन्ड से। इस तरह से हमने देखा कि किससे इफेक्ट हो रही है, बॉन्ड लेंथ से, बॉन्ड लेंथ एक तो हो रही है आपके साइज से, दूसरी हो रही है ईएन से, तीसरी हो रही है बॉन्ड ऑर्डर से, और जो फोर्थ है वो परसेंटेज एस करेक्टर से होते हैं। उसमें भी ये, इसमें जो परसेंटेज एस करेक्टर होता है ट्रिपल बॉन्ड वाले में, उसमें 50% होता है, इसमें 33% होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें 25% होता है। तो परसेंट एस करेक्टर जितना कम होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। इसके अलावा एक फैक्टर और भी है, रेजोनेंस, कि जो रेजोनेंस होता है उसके कारण जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ किन किन चीज़ों से इफ़ेक्ट होती है, साइज से इफ़ेक्ट होती है, ईएन यानी विद्युत ऋणता से इफ़ेक्ट होती है, थर्ड हमने डिस्कस किया बॉन्ड ऑर्डर से इफ़ेक्ट होती है, फोर्थ है परसेंट एस करेक्टर से, और फिफ्थ है रेजोनेंस से भी बॉन्ड लेंथ जो है इफ़ेक्ट होती है। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। अभी एक वर्ड आया था बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अभी मैंने आपको कहा ये कार्बन कार्बन सिंगल बंद है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर एक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है दो, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है तीन, ये कार्बन इस कार्बन के साथ तीन बंद बना रहा है। इट मीन्स एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कितना बॉन्ड बनाएगा वही उसका क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। तो इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर भी डिस्कस कर लिया है, और ये जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बॉन्ड लेंथ से किस तरह से इफ़ेक्ट होता है वो भी मैंने आपको अभी डिस्कस किया, कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होगी, कम होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की, कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, अब मान लो मैंने कोई एक मोल परमाणु ले लिया, उसके बीच में कोई बंध है, उसके बीच में यही बंध है, इस बंध को मुझे तोड़ना है, और इस तोड़ने के लिए मुझे जितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी को कैसे इफ़ेक्ट करता है। ये कितना है, एक बॉन्ड ऑर्डर है, इसका कितना है दो, और इसका कितना है तीन। ये तो तब है जब हम दोनों एटम सेम ले रहे हैं, तो इसको तोड़ने में मुझे ज़्यादा जोर नहीं आएगा, एक है चल रहे टूट गया, ठीक है तोड़ दिया मैंने। अब देखो अब ये दो है, दो को तोड़ने में थोड़ा सा जोर आएगा, यानी इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है। फिर मैंने लिया ये तीन, यानी ये तीन बॉन्ड तोड़ने, वो लकड़ियों के गट्ठर वाली बात है कि हाँ भाई एक लकड़ी को तोड़ना आसान है, फिर दो को तोड़ना उससे थोड़ा मुश्किल है, और तीन को तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे इसके साथ उतना ही उसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा होगी। पर ये मैं बात जब कर रही हूँ जब ये दो नंबर ऑफ जो कार्बन एटम है वो सेम है, यानी ये जो एटम्स है दोनों सेम हैं, परंतु अगर डिफरेंट हो या फिर डिफरेंट बॉन्ड पाए जाए तो भी अलग अलग होता है। यहाँ तक कि देखिए मैं एक और एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। ये मेरे पास है H2O, क्या है H2O, ठीक है, इसके भी मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने हैं, दो बॉन्ड तोड़ने, एक ये बॉन्ड तोड़ना है
और ये बॉन्ड तोड़ना है। और इन दोनों, अब आप कहोगे ये तो दोनों सेम बॉन्ड हैं, तो इनको जब हम तोड़ेंगे तो इनकी एनर्जी क्या आनी चाहिए? जी सेम ही आएगी, दोनों इक्वली तो बॉन्ड है। हाँ, दोनों इक्वली बॉन्ड है। नहीं, ये दोनों बॉन्ड इक्वल नहीं है, क्योंकि सिचुएशन दोनों अलग अलग होगी। पहले मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगी, फिर मैं ये बॉन्ड तोड़ूंगी। कहने का मतलब H2O है, उसमें से पहले मैं एक H+ निकालूंगी और OH अलग रह जाएगा, फिर इस OH बॉन्ड को यहाँ से मैं तोड़ूंगी, तो दोनों की जो एंथैल्पी है वो डिफरेंट आएगी। दोनों की जो एंथैल्पी है वो डिफरेंट देखने को मिलेगी मेरे को। और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे आपको कहीं मूवी देखने जाना है, तो मूवी देखने जाना है आपको अपनी मम्मी से उसकी परमिशन लेनी है, आपको अपनी मम्मी से परमिशन लेनी है। एक कंडीशन में सिर्फ आपको अपनी मम्मी से परमिशन लेनी है, दूसरी कंडीशन में कि आपको मम्मी से परमिशन लेनी है पर पापा ने मना कर दिया। फर्स्ट वाली कंडीशन में पापा ने हाँ कर दिया कि हाँ भी तुम लोग जा सकते हो, कोई बात नहीं है, तो दिक्कत किस में आएगी? जिसमें पापा ने मना कर दिया। क्यों? मम्मी कहेगी भाई नहीं, शायद मान भी जाए, परंतु दिक्कत तो आएगी ना। पर जो एक कंडीशन दूसरी है जिसमें पापा ने हाँ कर दिया है, तो उसमें मम्मी को मनाना थोड़ा सा आसान होगा। तो इसको तोड़ना फर्स्ट टाइम मुश्किल होगा, बाद में ये टूट जाएगा। तो इसकी जो फर्स्ट एंथैल्पी आती है वो ज़्यादा आती है, और जो सेकंड एंथैल्पी आती है वो कम आती है। फिर आप कहोगे जी फिर हम एंथैल्पी कैसे निकालेंगे? फिर हम जो एंथैल्पी लेंगे वो एवरेज एंथैल्पी लेंगे, यानी इनकी जो भी एंथैल्पी आएगी उसको ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। तो इस तरह से बॉन्ड एंथैल्पी को हम डिफाइन करेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी कैसे डिफाइन की जा सकती है। और इसे अनदर एग्जांपल के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे मैं ये ले लेती हूँ, ये मैंने लिया है कार्बन, और इस कार्बन के साथ मैंने जोड़ दिए हैं चार हाइड्रोजन। हम चार हाइड्रोजन जोड़ते थे, चार हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब इसको तोड़ा तो एंथैल्पी कुछ और आई, फिर इसको तोड़ा तो एंथैल्पी कुछ और आई, फिर इसको तोड़ा तो भी एंथैल्पी कुछ और आई, फिर इसको तोड़ा, यानी चार बॉन्ड को वन बाय वन करके मैंने तोड़ा। तो इन दोनों का, इन चारों का जो भी सम आएगा उसे चार से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। और इस तरह से जो हमारे पास एंथैल्पी आएगी वो कौन सी एंथैल्पी आएगी? वो आएगी एवरेज एंथैल्पी। तो इस तरह से हम किसी भी बॉन्ड की एंथैल्पीज निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर के, कि बॉन्ड ऑर्डर नहीं, बॉन्ड एंगल, सॉरी, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। जैसे ये H2O मॉलिक्यूल है, इसकी बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, तो देखिए ऐसे बना लेती, इसका जो बॉन्ड एंगल आता है वो 104.5 डिग्री आता है। इसे हम डिग्री में लेते हैं। एंथैल्पी जो थी उसका मात्रक था किलो जूल मोल इनवर्स था, पर जो बॉन्ड एंगल आ रहा है उसकी, मतलब एक केंद्रीय परमाणु में इससे जितने भी ये जुड़े हुए हैं दूसरे एटम, तो उनके बीच का जो बंध है वो क्या कहलाता है? आपका बंध कोण कहलाता है, बंध कोण कहलाता है। क्योंकि अगर मैं H2O की बात करूं तो नॉर्मल समझ आता है कि भाई एक O होगा, उसके साथ लीनियर फॉर्म में HS जुड़ा होगा। नहीं, जबकि मैंने आपको इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई है, यानी ये किस टाइप की स्ट्रक्चर है? ये है वी शेप या कोणीय। तो इस बॉन्ड एंगल से क्या पता चलता है? इस बॉन्ड एंगल से हमें अणु की ज्यामिति पता चल जाती है, कि जैसे 104.5 का है तो मतलब इस टाइप का कोई बॉन्ड होगा, यानी वी शेप का होगा। तो इससे हम अणु की ज्यामिति के बारे में पता लगा सकते हैं। इस तरह से आज हमने इस वीडियो में क्या देखा? आज हमने बॉन्ड पैरामीटर डिस्कस किए, जिसमें से बॉन्ड लेंथ डिस्कस की, बॉन्ड ऑर्डर किया, बॉन्ड एंगल किया और बॉन्ड एंथैल्पी की। और एक बात और जो बॉन्ड लेंथ में रह गई थी, कि रेडियाई होती है, एटॉमिक रेडियाई होती है, वंडरवॉल रेडियाई होती है, या फिर मेटेलिक रेडियाई होती है, कोवेलेंट रेडियाई होती है। तो जिस टाइप का बॉन्ड उसके अंदर पाया जा रहा है उस टाइप की रेडियाई उसके अंदर प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल किसी में कोवेलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है
तो उसमें जो रेडियाई होगी वो कोवेलेंट रेडियाई होगी, सहसंयोजक त्रिज्या। अगर किसी में धात्विक कोण धात्विक बंधन पाया जा रहा है तो उसमें धात्विक रेडियाई होगी। वंडरवॉल फोर्स, वंडरवॉल फोर्स जो होते हैं हम गैसेस में देखते हैं, जिसमें एक जो न्यूक्लियस है या फिर एक एटम है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, सिर्फ इसी फॉर्म में रहता है, सिर्फ अट्रैक्ट करता है उसके आउटर सेल को, तो इस तरह के जो फोर्सेस होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस कहलाते हैं। और इस वक्त जो रेडियाई होती है वो वंडरवॉल रेडियाई कहलाती है। और जो वंडरवॉल रेडियाई होती है यानी वंडरवॉल त्रिज्या होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स की रेडियाई जो होती है उससे ज़्यादा आती है। थैंक यू।